जब हमें बोलना हो ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा, ना चाहते हुए भी उसे अपने पति की बात माननी पड़ती है, ना चाहते हुए भी हमने उसका प्रस्ताव मान लिया, ना चाहते हुए भी वह अंग्रेजी सीख रहा है, ना चाहते हुए भी वह नाच रही है, ना चाहते हुए भी मैंने आम खाई, ना चाहते हुए भी तुमने उससे बात क्यों की, ना चाहते हुए भी उसने झूठ बोला, ना चाहते हुए भी उसने घर छोड़ा। तो गाइज, इस तरीके की सेंटेंसेस को हम लोग अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस तरीके की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। अभी जस्ट आपने इन सारे सेंटेंसेस को सुने हैं तो आपने एक चीज जरूर नोटिस किए होंगे, इन सारे सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन आया हुआ है जो कि है ना चाहते हुए भी। इन सारे सेंटेंस में क्या है, कॉमन है। तो ना चाहते हुए भी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये जानेंगे। ना चाहते हुए भी के लिए हम यूज करेंगे अनविलिंगली, अनविलिंगली। इसको आपको याद रखना है। ना चाहते हुए भी के लिए आप क्या यूज करेंगे, अनविलिंगली। तो चलिए इस फ्रेज को स्ट्रक्चर में रख के देखते हैं। सबसे पहले आपको ना चाहते हुए भी के लिए आपको अनविलिंगली का यूज करना है। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, अनविलिंगली देन उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, अनविलिंगली का यूज करना है, देन उसके बाद सेंटेंस जो कि हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा, किसी भी टेंस का हो सकता है या कोई भी सेंटेंस हो सकता है। ओके, तो आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। जब भी आपको ना चाहते हुए भी बोलना हो तो आप क्या यूज करेंगे, अनविलिंगली। ओके, तो चलिए सीखते हैं। ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा। तो सबसे पहले गाइज आपको ना चाहते हुए भी की इंग्लिश लेनी है अनविलिंगली। ओके, और हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, यदि आप कंप्लीट सेंटेंस को पहले लेना चाहेंगे तो पहले ले सकते हैं, अनविलिंगली को एंड में भी यूज कर सकते हैं। ओके, आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं, पहले सेंटेंस दीजिएगा उसके बाद अनविलिंगली का यूज कर लीजिएगा। ओके, ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा क्या हो जाएगा, अनविलिंगली। देन उसके बाद सेंटेंस क्या है, मुझे वहां जाना पड़ा तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू गो देयर, आई हैड टू गो देयर। अनविलिंगली आई हैड टू गो देयर, अनविलिंगली आई हैड टू गो देयर। गाइज, आपको मेरे साथ साथ बने रहना है, मैं आप सभी को प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। एक सेंटेंस को मैं दो बार बता रही हूँ ना, तो आपको फर्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, लिसन करना है, एंड सेकेंड टाइम में आपको मेरे साथ साथ बोल बोल कर आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो इंग्लिश है उतनी जल्दी इम्प्रूव भी होगा। सेकेंड वन, ना चाहते हुए भी उसे अपने पति की बात माननी पड़ती है।
अनविलिंगली उसके बाद क्या है कंप्लीट सेंटेंस, उसे अपने पति की बात माननी पड़ती है। सी हैज टू ओबे हर हस्बैंड। अनविलिंगली सी हैज टू ओबे हर हस्बैंड। अनविलिंगली सी हैज टू ओबे हर हस्बैंड। गाइज यदि आप अनविलिंगली का यूज लास्ट में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। ओके, आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हैं। अनविलिंगली को शुरू में बोलिए या तो अंत में, ये आप पे डिपेंड पड़ता है, दोनों तरीका से आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ना चाहते हुए भी हमने उसका प्रस्ताव मान लिया। अनविलिंगली अनविलिंगली हमने उसका प्रस्ताव मान लिया। We have accepted his proposal। Unwillingly, we have accepted his proposal. Unwillingly, we have accepted his proposal. ना चाहते हुए भी वह अंग्रेजी सीख रहा है। Unwillingly, वो अंग्रेजी सीख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज लर्निंग इंग्लिश। अनविलिंगली ही इज लर्निंग इंग्लिश। अनविलिंगली ही इज लर्निंग इंग्लिश। गाइज ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, और ऊपर वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसमें जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा वो किसी भी टेंस का हो सकता है। ओके, किसी भी तरीके की हो सकता है। ओके, तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ना चाहते हुए भी वह नाच रही है। ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, क्या हो जाएगा, अनविलिंगली वह नाच रही है। अनविलिंगली सी इज डांसिंग। गाइज मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है, यदि अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ऐसे ही मेरे साथ साथ बने रहिए एंड तक।
ना चाहते हुए भी मैंने आम खाई अनविलिंगली मैंने आम खाई। गाइज ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आई एट वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है आई एट अ मैंगो। Unwillingly, I ate a mango. Unwillingly, I ate a mango. और हाँ गाइज आपको वीडियो को स्किप नहीं करनी है ओके? ना चाहते हुए भी तुमने उससे बात क्यों की? ये हो गया WH word, question हो गया। और past इंडेफिनिट टेंस का है WH word क्वेश्चन है अनविलिंगली अनविलिंगली तुमने उससे बात क्यों की why did you talk to him unwillingly why did you talk to him unwillingly why did you talk to him ना चाहते हुए भी उसने झूठ बोला unwillingly उसने झूठ बोला। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। क्या हो जाएगा उसने झूठ बोला ही टोल्ड अ लाई। यहां पे गाइज टोल्ड अ लाई के जगह पे आप डायरेक्टली लाइड का भी यूज कर सकते हैं। लाई का सेकेंड फॉर्म लाइड होता है ओके? अनविलिंगली ही टोल्ड अ लाई अनविलिंगली ही टोल्ड अ लाई। यदि आप लाइड का ही सिर्फ यूज करना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे अनविलिंगली ही लाइड अनविलिंगली ही लाइड। ना चाहते हुए भी उसने घर छोड़ा अनविलिंगली उसने घर छोड़ा ही लेफ्ट द होम अनविलिंगली ही लेफ्ट द होम Unwillingly he left the home. Guys, now your turn. मैं आप सभी को एक होमवर्क दे रही हूँ जिसको क्या करना है कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ना चाहते हुए भी मुझे दारू पीनी पड़ी। This sentence is for you. So please tell me in comment box. गाइज तो मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो कुछ सीखने को मिली हो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 45 आप सभी को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।